दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ मोदी सरकार के स्टैंड के बाद बहस छिड़ गई है। 5 मार्च को इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार के लिए स्टैंड को पलट दिया। मोदी सरकार की दलील है कि संसद के कानून से जामिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, लिहाजा उसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं कहा जा सकता। मोदी सरकार के इस रुख के बाद अगर अदालत ने भी जामिया को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया तो वहां 50% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलने लगेगा। इसके पहले 2016 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने के यूपीए सरकार के फैसले का विरोध किया था। इसलिए आज हम दंगल में यह पूछ रहे हैं कि जामिया के अल्पसंख्यक दर्जे पर दखल जरूरी है या फिर यह बांटने की राजनीति है। जामिया के बहाने क्या सरकार मुसलमानों के अधिकारों में दखल दे रही है? क्या इसे यूपीए सरकार की तुष्टिकरण की नीति को दुरुस्त करना कहा जा सकता है? युवाओं को हिंदू मुसलमान की बहस में फंसाने में किसका फायदा है और बार बार विश्वविद्यालय बनाम मोदी सरकार की जंग क्यों छिड़ रही? तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ दंगल में कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ आज दंगल में होंगे संबित पात्रा, कुछ देर के लिए पहले फोन पर मौजूद रहेंगे लाइव, और हमारे साथ मौलाना असद खान फलाही यहां स्टूडियो में आ चुके हैं, वो इस्लामिक जानकार हैं। हमारे साथ महानंदा जी हैं जो कि खुद हिस्सा है जामिया मिलिया इस्लामिया का, सरोज कुमार महानंदा, असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। हमारे साथ अख्तरुल वासे साहब हैं जो कि फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इस्लामिक स्टडीज जामिया मिलिया इस्लामिया के। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं जो आरएसएस के जानकार हैं लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संबित पात्रा, सरकार ने पलटी क्यों मारी जामिया के स्टैंड पर? देखिए, सरकार ने कोई पलटी नहीं मारी है, जो हकीकत है उसको बयान किया है। अगर पिछले सरकार ने कोई गलती की थी उसको ठीक करना भी सरकार का धर्म होता है। सबसे पहली बात है अजीज भाषा, जो अजीज भाषा का केस सुप्रीम कोर्ट में 1968 में हुआ था, अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में, जिसमें बड़े स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट बाय मुस्लिम। वही पूरा का पूरा वही प्रमाइज इसमें भी लगता है अपने जामिया मिलिया इस्लामिया में। इसमें देखिएगा कि जेएमआई जो है ये यूनिवर्सिटी 1988 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से स्थापित किया गया था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो सेक्शन 7 है इस एक्ट का, वो क्या कहती है? वो कहती है कि द यूनिवर्सिटी शैल बी ओपन टू पर्सन ऑफ आइदर सेक्स एंड ऑफ वॉट एवर रेस क्रीड एंड कास्ट क्लास एंड इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द यूनिवर्सिटी टू अडॉप्ट और इम्पोज एनी पर्सन एनी टेस्ट व्हाटसोएवर रिलीजियस बिलीफ और प्रोफेशन इन ऑर्डर टू एंटाइटल देम टू बी एडमिटेड देयरइन। तो नेचुरली अगर ये खुद एक्ट ही कह रही है यूनिवर्सिटी की जामिया मिलिया इस्लामिया की कि किसी प्रकार से किसी प्रकार का भेदभाव के आधार पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, उसके आधार पर एडमिशन नहीं होगा, तो इसमें सरकार ने तो वही कहा जो जामिया मिलिया इस्लामिया के एक्ट में लिखा हुआ था और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर अख्तरुल वासे जामिया जी, बोल लें आप, बोल लें। मेरा ख्याल ये है कि एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे संविधान की धारा 29 और 30 है मूल अधिकारों की, वो तमाम अल्पसंख्यकों को अपनी मर्जी के संस्थाएं कायम करने और चलाने की आज़ादी देते हैं, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरे, जामिया का इतिहास जो है, जो लोग नहीं जानते वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 29 अक्टूबर 1920 को महात्मा गांधी के आशीर्वाद से जामिया की संस्थापना हुई और हमारे संस्थापकों ने ये सोचा था कि हम अपने देश को राजनीतिक आज़ादी तो अंग्रेज़ों से नहीं दिला सकते हैं, अपनी शिक्षा को ज़रूर आज़ाद कर ले, और इसीलिए जामिया का जन्म हुआ था। जामिया मौलाना गांधी के आशीर्वाद और शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन की दुआओं के नतीजे में कायम हुई थी, और एक समय ऐसा आया था जब जामिया के पास माली परेशानी थी और लोगों ने कहा था कि जामिया के नाम से जामिया मिलिया इस्लामिया निकाल दो,
तो महात्मा गांधी ने कहा था अगर ऐसा होगा तो मैं जामिया से निकल जाऊंगा और इससे अपना कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। तीसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कि 1988 तक जामिया जो है बाकायदा तौर पे एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जरिए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के तौर पे काम करती रही। सरकार उस वक्त भी उसके तमाम खर्चों का क्या मैं भार संभालती रही और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और 1988 में जब एक्ट बना तो ये बताया गया था कि हम जामिया के साथ को जो हक 1947 में या 1950 में मिल जाना चाहिए था वो दे रहे हैं और उसमें देर हुई है, अंधेर नहीं होगा। तो जामिया जो है वो बुनियादी तौर पे आपने कहा देश की सेवा के लिए ये सोच खड़ी हुई कि जामिया जैसा एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो आज आप इसको केवल मुसलमानों की सेवा तक क्यों सीमित करना चाहते हैं? हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप ये बताइए जो हरकिशन पब्लिक स्कूल्स हैं, जो खालसा कॉलेजेस हैं, जो स्टीफेंस कॉलेज हैं, इनके लिए तो आपके पास एक मापदंड है। क्या आपको लगता है हरकिशन पब्लिक स्कूल केवल सिखों को एडमिशन देते हैं और किसी को नहीं देते? वो 50% किसे देते हैं? क्या आपको लगता है स्टीफेंस में केवल ईसाई पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता? 50% उनको मिलता है। क्या आपको लगता है महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चलती है उसमें केवल हिंदू पढ़ सकते हैं और कोई छात्र नहीं जाता वहां पर किसी धर्म का? आप क्या बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर जो क्या मैं नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स की तादाद है वो किसी से कम नहीं है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ सर, जब आप दोनों धर्मों के हर धर्म के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अपने ऊपर माथे पर टैग क्यों लगाना चाहते हैं एक धर्म का? नहीं नहीं, हम इसलिए आप मदरसा थोड़े ना है। नहीं नहीं, आप मदरसा नहीं है, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जामिया हो या अलीगढ़ हो, ये हमारे चंदे से बने थे, हमने इन्हें स्थापित किया था। और तो आप ये कह रहे हैं कि आपको जामिया को सरकार की मदद की जरूरत नहीं है, जामिया अपना खर्चा उठाने में सक्षम है? माफ कीजिएगा, जामिया को जो सरकार खर्चा देती है और जो क्या मैं अलीगढ़ को देती है वो कहीं अपने घर से नहीं लाती है। हम भी इस देश के टैक्स पेयर हैं और सरकार एक तरफ तो हमसे बराबर कहती है कि हम अपने शिक्षक जो बैकवर्डनेस है उसे दूर करें और दूसरी तरफ हमने जो इदारे कायम किए तो बैकवर्डनेस दूर करने का मतलब ये है सर कि माथे पर पट्टी लगी रहे अल्पसंख्यक होने की? हम ये नहीं कह रहे हैं। आप एक बात सुनिए, आप ये बात क्यों नहीं कहते और इस बात के ऊपर आपके यहाँ से अगर दो दो लड़के पत्रकार बन के निकलते हैं सर, एक हिंदू एक मुसलमान, तो क्या किसी के ऊपर लिखा होता है कि अल्पसंख्यक पत्रकार है या बहुसंख्यक पत्रकार है? ऐसा है, हमारे मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर ने क्या मैं नॉन मुस्लिम सर, मैं इसीलिए उसका उदाहरण दे रहा हूँ सर। नहीं, हम मैं आपको इसीलिए उसका उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं तो आप कि जब ऐसा नहीं है तो फिर आपको उस पर एक पट्टी क्यों लगवानी है अल्पसंख्यक की? एक बात सुनिए, आपने ये बात कह दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपने नहीं कहा कि पट्टी क्यों लगी हुई? मैंने तो पूछा पहले ही, मैंने कहा आप नाम रखिए ना, कोई भी नाम रखने पर किसी को ऐतराज थोड़ी है। नाम रखने, लेकिन क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास बहुसंख्यक संस्थान होने का तमगा है, जैसे आप बिल्कुल अल्पसंख्यक संस्थान का तमगा चाहते हैं अलग से? नहीं नहीं, वो बिल्कुल है, आपको मालूम होना चाहिए। मुझे बताइए अलीगढ़ में और जामिया में नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है, अब एक सेकंड रुकिए, बनारस में है। मैं दो लोगों को और चर्चा में लाना चाहता हूं, प्रोफेसर सरोज महानंदा जिन्होंने चिट्ठी लिखी कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, सही कह रहा हूं मैं? और दूसरे प्रोफेसर राकेश सिन्हा जो कि डीयू में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा संघ के जानकार होने के नाते नहीं, एक डीयू के प्रोफेसर होने के नाते, जामिया के ऊपर माइनॉरिटी स्टेटस क्यों चाहते हैं? यह राजनीतिक जरूरत है या फिर सामाजिक जरूरत है? देखिए रोहित जी, इस देश का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि पंथ निरपेक्षता की चमड़ी पंथ निरपेक्षता के नाम पर ही उधेरी जा रही है। जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं, आर्टिकल 29-30 का हवाला दे रहे हैं, अभी संबित पात्रा जी ने बासा के केस का उल्लेख किया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जामिया के पूर्व प्रोफेसर ने जो जामिया का इतिहास बताया वो पूरी तरह से गलत इतिहास बताया। रोहित जी, मैं 5 लाइन आपको पढ़ देता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मेरी पुस्तक नहीं है, आरएसएस की छपी हुई पुस्तक नहीं है, मकतबर जामिया से छपी हुई पुस्तक है, अर्थात जामिया के पब्लिकेशन का हाउस है उससे छपी हुई पुस्तक है, उसका नाम है जामिया की कहानी, लेखक हैं अब्दुल गफ्फार खां मुधोली। इसके 20वें पेज पर जो कहा गया, जा गौर कीजिए, 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान
जब मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी, हकीम अफजल खां, मौलाना शौकत अली अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों से अनुरोध करने के लिए गए, वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करें तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रबंधकों ने इन नेताओं को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पृष्ठ 23 पर लिखा गया, इस अवसर पर इन राष्ट्रवादी नेताओं ने तय किया कि एक राष्ट्रवादी शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। इसी पृष्ठ पर कहा गया कि जामिया मिलिया की स्थापना की घोषणा करते हुए मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी ने कहा, यह राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान जिसके दरवाजे सभी भारतवासियों के लिए बिना धर्म जाति की परवाह किए बिना खुले रहेंगे। 24वें पृष्ठ पर जो कहा गया, विश्वविद्यालय सिंडिकेट की पहली बैठक में यह निर्णय किया गया कि इस संस्थान में इस्लाम और हिंदू दोनों धर्मों की शिक्षा की व्यवस्था होगी। एक बात अंत में मैं बोल देना चाहता हूँ, पृष्ठ 21 पर कहा गया, महात्मा गांधी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को जामिया मिलिया का पहला कुलपति बनाना चाहते थे, मगर उन्होंने एक राष्ट्रवादी संस्थान में जिम्मेदारी को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस पर इस संस्थान में पहला वाइस चांसलर के नाम पर हकीम अफजल खां को बनाया गया। यह है जामिया का इतिहास, ठीक है। इसको बाद में, इसी पुस्तक को बाद में नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू ने छापा है, ठीक है। अब वासे साहब ये बताइए, जिस संस्थान की स्थापना आजादी से पूर्व दो पहचान के सिद्धांत को समाप्त करने के लिए किया गया था, आप टू आइडेंटिटी थ्योरी को लाना चाहते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक संस्थाएं अपवाद के रूप में होती हैं सर्मान्य। और एक छोटी सी बात रोहित जी, आप बता दीजिए कि हिंदुस्तान के किस मुस्लिम छात्र को BHU, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के विश्वविद्यालय में या असम के विश्वविद्यालय में अनुमति प्रवेश नहीं दिया गया कि मुसलमान है। जिस देश में पंथ निरपेक्षता शिक्षण संस्थाओं का वसूल हो उस देश में सर आवाज कट गई आपकी। प्रोफेसर महानंदा, आपने क्यों चिट्ठी लिखी कि माइनॉरिटी स्टेटस ना दे? 2011 में NCMA का जजमेंट आया फरवरी में, और मई में जब ये आया उसका एडमिशन का सिलसिला शुरू हुई, उसी दौरान STSC का रिजर्वेशन हटा दिया गया। उससे पहले, अब चूंकि मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ और वहाँ का एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो इसीलिए मुझे लगा कि क्या हो गया। इमीडिएटली ऐसा लगा कि एक तो बड़ा सा तबका जो 22.5% STSC आ रहे थे थ्योरिटिकली, अगर प्रैक्टिकली ना भी आए, थ्योरिटिकली जो उस समय आ रहे थे वो सारे तो गायब हो जाएंगे। और यही हुआ, 2011 के बाद STSC स्टूडेंट वहाँ से गायब। अब उसके बाद आगे जा करके उसका नेक्स्ट पॉइंट आया 2014 में, सो STSC अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन एंड अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन वो भी ख़त्म कर दिया। तो ये एक सिलसिला चला, तो जिसके वजह से मतलब ये STSC, हम ठीक है माइनॉरिटी स्टेटस माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए है, उसका उनके लिए काम होना चाहिए, लेकिन ये भी मेरा उस समय इमीडिएट पॉइंट था कि उसके वजह से STSC का जो राइट्स है वो तो कहीं मार नहीं खाना चाहिए ना, ठीक है। तो यही मेरा उस समय लिमिटेड पॉइंट। इसके अलावा कुछ और शिकायतें भी हैं जो लोग वहाँ पढ़ाते हैं और नॉन मुस्लिम हैं, उनकी क्या उनके साथ भी कोई असामान्य व्यवहार हुआ उसके बाद से जब से दर्जा बदला? नहीं, ऐसा विजिबल तो नहीं होता, लेकिन एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। STSC जो टीचर्स हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, उनको लगता है कि यह माइनॉरिटी हो गया, आज रिजर्वेशन खत्म हो गया, जो उस समय लगभग 40 के आसपास लोग थे STSC टीचर्स, एक एक करके छोड़कर भाग रहे हैं। मौलाना सद खान फलाई, अब बोलिए आप। देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगा यहाँ डिबेट को पहले दो इशू पर रखा जाए कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों माना जाए जामिया मिल्लिया इस्लामिया को, और सरकार का स्टैंड क्यों बदला, इन दोनों पे होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि मुसलमानों की जो तालीमी हालत है इस वक्त वो बहुत ही बैकवर्ड है, आज भी बहुत बहुत ही बुरी हालत में। मैं तो इसलिए इसके पे फेवर में हूँ कि माइनॉरिटी स्टेटस इसका बने रहना चाहिए। इसी वजह से इसकी बुनियाद जो रखी गई थी वो 1920 में जब रखी गई तो महात्मा गांधी जी के इस स्टेटमेंट से कि हमें ब्रिटिश के जो भी स्कूल्स हैं उनको बॉयकॉट करना है। प्रोफेसर साहब ने बताया जो भाई, ठीक है। अब मैं अगले आ जाता हूँ, चलिए आप उसके उस पॉइंट को छोड़िए, अब आइए आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि सरकार का ये स्टैंड। मैं पूछना चाहता हूँ संबित जी से कि एक तरफ आप ये कहते थे कि पिछली सरकार अपीजमेंट का काम कर रही है, आप स्टेटमेंट देते थे कि पूर्व प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हिंदुस्तान में प्राकृतिक संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए, आपके हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए और एक हाथ में कुरान शरीफ होना चाहिए, तो आप लैपटॉप कैसे उनके हाथ में देंगे? यानी मैं तो दोनों ही स्टेटमेंट को फिर वही मानूंगा कि सिर्फ मुसलमानों को खुश रखने के लिए कहा गया, धरातल पर प्रैक्टिकली उसका कोई असर नहीं दिखाई देगा। अगर आपका ये स्टैंड है कि अपीसमेंट वाली बात है, आप कहते हैं वो अपीसमेंट कर
रखती है, हम एम्पावरमेंट करते हैं। तो अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस नहीं देंगे तो इसको कैसे एम्पावरमेंट करेंगे आप माइनॉरिटी। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अख्तरुल वासे हमारे साथ हैं, पूर्व एचओडी रह चुके हैं जामिया में, प्रोफेसर मानंदा हमारे साथ हैं वो अभी भी जामिया में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और असद खान फलाही हमारे साथ हैं इस्लामिक जानकार हैं। हालांकि बहुत से दर्शक कह रहे हैं विज्ञापन बहुत आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बिना विज्ञापन के चलता नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज चल जाती हैं चंदे से। मौलाना असद खान फलाही, आपकी बात अधूरी रह गई थी जी। आप एक तरफ ये कहते हैं सरकार एम्पावर नहीं करती है, केवल दिखावा करती है, मैं तो इनसे दूसरी तरफ जब सरकार ये कहती है कि हम मदरसों पे इतना इतना खर्च करना चाहते हैं, मदरसों को आप जोड़िए मौजूदा करिकुलम से, मॉडर्न करिकुलम से, तो मौलाना लोग खड़े हो जाते हैं तलवारें निकाल के। आपने भी मदरसे पे कम डिबेट नहीं करी है, और आज फिर मैं आपको बताऊं और आपके माध्यम से जनता को बताऊं कि मुसलमान के सिर्फ 3% बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं सर, 97% बच्चे तो दूसरी जगह जा ही नहीं पा रहे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि 7 से 14 साल के बच्चा जो है उसे स्कूल जाना नसीब नहीं हो रहा, और जो किसी तरह स्कूल पहुंच जा रहा है वो ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट है उसका, क्योंकि उसके घर में फीस देने के लिए पैसे नहीं है, उसके घर में कोई उसकी माँ और बहनों का ख्याल रखने के लिए तो नहीं, जब वो मदरसे में ही नहीं जा रहा तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कैसे चला जाएगा। तो जो बच्चे बच कुच के जो पहुंच रहे हैं आप वो भी इदारा छीन लेना चाह रहे हैं, बाकी जगह एडमिशन नहीं मिलते। आप बताइए, अभी अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। नहीं, मैं तो राकेश सिन्हा जी से पूछना चाहूंगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा हैं? तो आप जामिया आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, 50% आपने आरक्षण दे दिया तो 50% प्रोफेसर मानंदा वहीं पढ़ाते हैं, कह रहे हैं क्यों 50% किस तरीके से घट रही है आबादी। सर, इसके फाउंडर्स कौन थे और इसकी फाउंडेशन क्यों रखी गई थी, आप उसके देखेंगे। इसका मतलब आपसे ये होगा, तो प्रोफेसर राकेश सिन्हा इसका मतलब आपसे ये होगा जिसके बाप दादाओं ने जो यूनिवर्सिटी बनाई वो वहीं पढ़ेंगे, फिर तो धार्मिक शिक्षा के लेबल लगा दीजिए सब संस्थानों पे। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मान रहे? देखिए एक बात मैं बता दूं, कल को जेएनयू के लिए लोग कहने लगेंगे कि कांग्रेस की पर्ची कटाइए तब जेएनयू में एडमिशन लीजिए, जी मैं इनको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे है। नहीं, तब तो इस देश के 90% संस्थाओं की स्थापना हिंदुओं ने की, उनसे मुसलमान क्रिश्चियन सबको वंचित कर दिया जाएगा क्या? मेरा एक बुनियादी सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन कितने परसेंट बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं सर? कितने बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जी? आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अरे आप सुन तो लीजिए, मैंने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए अप्लाई किया, जिसमें महात्मा गांधी शामिल थे, उसने जामिया की स्थापना की। जामिया के 1988 के एक्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ, 1988 का एक्ट में पढ़ रहा हूँ जिसके तहत ये बना है, उस एक्ट में लिखा गया कि सभी लिंगों सभी धर्मों के लोगों के लिए जामिया का दरवाजा समान रूप से खुला होगा। आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन से उसी प्रकार वंचित करना चाहते हैं जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वंचित किया गया था। आपकी एक साजिश है कि दलितों को पिछड़ा रखा जाए, उनको उनकी अवसरों को छीना जाए। वाह, चलिए आपने अपने मुंह मेरी बात कह दी कि ये आपकी कॉन्स्पिरेसी है कि आप चाहते हैं कि मुसलमान बैकवर्ड ही रहे, मुसलमान पढ़ नहीं पाए, मुसलमान का दूसरी जगह वैसे एडमिशन नहीं हो पा रहा जो बच्चा कुछ है मुसलमान जामिया और अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटी में पहुंच पा रहा है। आप राकेश जी, आज आप उठा के सर्वे करा लीजिए, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है ना हिंदुस्तान में वो दो ही यूनिवर्सिटी से आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। समुदाय का जो हेजेमनी क्रिएट कर दिया गया है उसमें नॉन मुस्लिम्स का वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन करना एक कठिन काम है। एक सेकंड, पिछली बार मैं कोट करता हूँ, आर्टिकल 30 और मुस्लिम है, जब जामिया में लेक्चर देने गई थी उनके लेक्चर को कैंसिल कराना पड़ा दबाव में। साहब क्या प्रोफेसर राकेश सिन्हा, प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, इससे आप दोनों की बात से इतर, मैं आप दोनों की बात से इतर दो चीजें लाना चाहता हूँ। एक, संसद के जरिए अगर कोई यूनिवर्सिटी बन रही है तो क्या उसे धार्मिक दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, इस पर संविधान क्या कहता है, मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे से पूछूंगा। उसके पहले प्रोफेसर महानंदा, जो बात राकेश सिन्हा कह रहे हैं लगभग वही जो आप कह रहे थे कि और आबादी, नॉन मुस्लिम आबादी वहां आने से घबराने लगी है और जो आते भी उनके लिए जगह बनती नहीं है, क्या ये सच है? ये लगभग ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, ठीक है। 2011 से पहले जो एक सेंस ऑफ कंफर्ट था वो आज के टाइम में नहीं है, 2011 के बाद नहीं है, कोई नहीं निकाल रहा जामिया से, कोई नहीं निकाल रहा, मर्जी से छोड़ के जाएं और आप दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल दें तो ये गलत है। वहां पे आप देखेंगे जो सीट सारे एसटी एससी सीट थे वो सारे के सारे जनरल सीट हो गए, तो वहां पे कोई नया आदमी आ नहीं पा रहा,
वहाँ पे सर बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए हर कोई जामिया तो बेटर अपॉर्चुनिटी आप कल जामिया को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप ये कह के जाएंगे मैं इनसिक्योरिटीज की वजह से जा रहा हूँ, ये तो गलत है। लोग जा रहे हैं ना, जो जा रहे हैं उनको पूछिए। एक सेकेंड, दिनेश चावला हमारे दर्शक, उन्होंने लिखा है मौलाना असद खान फलाही से बताइए कि मुस्लिम युवाओं को लैपटॉप हाथ में लेने के लिए विश्वविद्यालय का स्टेटस बदलने की नहीं बल्कि आप जैसे लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। इस पर एतराज मत कीजिएगा, मैं कुछ लोगों के ट्वीट्स पढ़ के सुना दे रहा हूँ आप लोगों को। अवध शुक्ला लिख रहे हैं, अगर आज भी मुस्लिम बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इसमें 4 साल की सरकार का दोष है या फिर पिछले 70-75 साल में बने इस देश के सिस्टम का। इसके अलावा एक और दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं कि सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है जामिया की आर्थिक मदद करके, क्योंकि वो टैक्स पे करते हैं। मेरा सवाल है कि मैं भी टैक्स पे करता हूं तो मेरे टैक्स का पैसा ऐसे संस्थानों में क्यों लगे जो अपने को एक विशेष तबके के ही संस्थान तक सीमित कर लेना चाहते हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी तभी ऐसे ट्वीट आए, अब मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। वासे साहब से पूछो, 30 सेकंड दे दे। चलिए ठीक है, 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो इन्होंने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप हो और एक हाथ में कुरान शरीफ हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के क्या पॉसिबल है कि कोई इंसान लैपटॉप पढ़ा लिखा हो पाएगा? मुसलमानों के अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। आर्टिकल 30 और आर्टिकल 46 में एक चीज और मैं, आर्टिकल 30 का जिक्र किया, आर्टिकल 46 मेरा सवाल यह है, सिखों के बच्चे तभी पढ़ेंगे जब सिखों के स्कूल होंगे, ईसाइयों के बच्चे तभी पढ़ेंगे जब ईसाइयों के स्कूल होंगे, हिंदुओं के बच्चे तभी पढ़ेंगे जब हिंदुओं के स्कूल होंगे, और मुसलमानों के बच्चे तभी पढ़ेंगे जब मुसलमानों के स्कूल होंगे। वासी साहब, क्या आपने सारी पढ़ाई वासी साहब क्या केवल किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से की? आप दुनिया में और कहीं नहीं पढ़े जिसके ऊपर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग नहीं था। सर आप पहले एक बात तो ये कि हमें शोर शराबा नहीं करना चाहिए। सर मैं भी सहमत हूँ आपसे। नहीं नहीं, और बात जो मुझे अर्ज करनी है, हम में असहमति हो सकती है लेकिन एक बात जो है उसका जवाब हमें देना चाहिए कि क्या वजह है कि संविधान में 29 और 30 की धाराएं रखी गई और वो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को शिक्षा संस्थान अपनी पसंद के बनाने और चलाने की उसमें आज़ादी दी गई। एक बात, हमारे संविधान के निर्माताओं ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया? उन्होंने समानता। दूसरी बात, जो अभी आप अभी बात कह रहे थे, हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे, 4 साल की सरकार पर सारी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है, जिम्मेदारी उन सब की है जो 15 अगस्त 1947 से या अब तक राज करते रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, वो कितनी कड़वी क्यों ना हो, कि असल में हुआ ये है कि आज़ादी के बाद क्या मैं मुसलमानों के मोहल्लों में स्कूल नहीं थाने खोले गए और एक तरह से उनको पिछड़ा रखा गया। तीसरी बात जो मदरसों के मुतालिक है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मदरसे जो हैं आज जो मदरसों की बड़ी संख्या है उन्होंने अपने आप को NIOS से जोड़ लिया है, उन्होंने अपने आप को जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनसे जोड़ लिया है और वहाँ पे बच्चे अब एक हाथ में दीन की जो धर्म की क्या उपाधि है वो लेके निकलते हैं तो दूसरी तरफ 10वीं और 12वीं की सनद लेके निकलते हैं। ऐसा नहीं है जिस तरह की बात यहाँ कही जा रही है। सर सवाल ये है कि क्या इस देश का कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी बच्चे को इस आधार पे एडमिशन देने से मना कर देता है कि वो मुसलमान है? और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इंस्टीट्यूशंस पर मुसलमान के पर्चे की अलग से मांग क्यों? राकेश सिन्हा, आखिरी कमेंट, जो बातें प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कही उसके जवाब में। देखिए मैं एक बात बता दूं कि आर्टिकल 29-30 का इसलिए उल्लेख किया गया कि जब किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना अल्पसंख्यकों के द्वारा अपने हित में अल्पसंख्यकों के लिए किया जाएगा तो उसको राज्य प्रोटेक्ट करेगी। जामिया की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए नहीं हुआ था, यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को काउंटर करने के लिए हुआ। मैंने उसका इतिहास बताया। नहीं नहीं काउंटर नहीं, फिर राकेश जी आप गलत कह रहे हैं। गांधी जी ने जो कॉल दी थी कि ब्रिटिश स्कूल, मैं नहीं जानता हूं, आप देखिए गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपने उसका
आप पहले सुन लीजिए, मैं आपसे देखिए हो हल्ला मत मचाइए, हो हल्ला मत मचाइए, मेरी बात दो तीस तीस सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए मैं ये जानता हूं कि इस देश में दो पहचान का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, दो पहचान के सिद्धांत से दुई राष्ट्रवाद आता है, उसी से विखंडन आता है। मैं सैयद अहमद खान को कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि कॉमन स्कूल और कॉमन विश्वविद्यालय में म्यूचुअल सिंपैथी आती है, म्यूचुअल सिंपैथी से सेकुलरिज्म फ्लरिश करता है। आप क्यों रोकना चाहते हैं परस्पर सद्भाव की बात को? यदि हिंदू मुस्लिम एक साथ पढ़ेंगे बिना किसी प्री कंडीशंस का पढ़ेंगे तो देश की पंथ निरपेक्षता आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी? ठीक है, आप पंथ निरपेक्षता को पीछे ले जाना चाहते हैं, इसको आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने इतिहास को गलत कोट किया, ये जामिया मिल्ला इस्लामिया इसलिए बना था कि चूंकि गांधी लेकिन यही तो कहा कि साथ साथ रहने से सेक्युलरिज्म बेहतर फ्लरिश करेगा। क्या ये तो जामिया ने अपने इस क्रेडेंशियल को मेंटेन किया है सर, इसको एनश्राइन ही किया है जो तो क्या कल को आरएसएस से जुड़े जितने स्कूल चलते हैं वो कह दें कि हिंदुओं के अलावा किसी को दाखला नहीं देंगे, आपको सूट करेगा? अगर आपको लगता है कि माइनॉरिटी स्टेटस खत्म होना चाहिए जामिया का, तो हिंदुस्तान में जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है सबका खत्म करना चाहिए। हमारा कहना यह है, सिर्फ माइनॉरिटी, हमारा कहना यह है माइनॉरिटीज माइनॉरिटी के लिए संस्थान चलाना चाहती हो चला नहीं। हाँ। ये ना था ना है ना रहेगा। हमारा कहना यह है माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज के लिए शिक्षण संस्थान चलाना चाहती हूं चलाएं, संविधान उसकी इजाजत देता है, लेकिन कम से कम शिक्षा को इस तरीके से लेबल नहीं किया जाना चाहिए कि वो जोड़ने के बजाय तोड़ने में।